सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास दिस इज शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली वर्कशीट वर्कशीट नंबर नाइन एंड इट इज ओनली फॉर क्लास टेन स्टूडेंट्स एंड इट सब्जेक्ट सोशल साइंस ज्योग्राफी

मोर देन हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज एंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हमारे देश की आधी से ज्यादा जनसंख्या जो है वो कृषि कार्यों में ही एंगेज है एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी एग्रीकल्चर जो है वो एक प्राथमिक क्रिया है विच प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम और जो कि ज़्यादातर जो हम फूड कंज्यूम करते हैं वो हमें यहीं से ही मिलता है बिसाइड्स फूड ग्रेन्स इट ऑल्सो प्रोड्यूसिस रॉ मटीरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज देखिए फूड ग्रेन्स के अलावा भी ये बहुत सारे रॉ मटीरियल भी पैदा करता है जो कि इंडस्ट्रीज़ के लिए होता है मोर ओवर सम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लाइक टी कॉफी स्पाइस एक्सेट्रा आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड और ना केवल जो रॉ मटीरियल इंडस्ट्रीज के लिए ये प्रोड्यूस करता है बल्कि बहुत सारे जो इसके प्रोडक्ट्स हैं जैसे टी कॉफी और स्पाइसेस ये एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं यानी दूसरी कंट्री में बेचे भी जाते हैं सेल आउट भी किए जाते हैं नाउ विल मूव ऑन टाइप्स ऑफ फार्मिंग नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फार्मिंग फर्स्ट इज प्रमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग दूसरा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग तीसरा है प्लांटेशन एंड फोर्थ इज कमर्शियल फार्मिंग So, these are the types of farming primitive subsistence farming, intensive subsistence farming, plantation, and commercial farming. Now, we understand these types of farming in detail. First is primitive subsistence farming. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिसाइज इन अ फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया यानी आज भी कुछ क्षेत्रों में इंडिया के इस तरीके की फार्मिंग यूज़ की जाती है प्रिमेटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिसाइज ऑन स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रिमेटिव टूल्स लाइक डाओ एंड डिगिंग सिक्स एंड फैमिली और कम्युनिटी लेबर देखिए यानी प्रिमेटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर वो होता है जो कि बहुत छोटे से लैंड के uh, के टुकड़े पर किया जाता है किन से किया जाता है प्रमेटिव टूल्स से जो कि पुराने टूल्स हैं जैसे डाओ और डिगिंग सिक्स और वो फैमिली और कम्युनिटी की लेबर से की हेल्प से वो किया जाता है दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मॉनसून नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड सूटेबिलिटी ऑफ अदर एनवायरमेंटल कंडीशन टू द क्रॉप्स ग्रोन यानी ये जो है मानसून पर डिपेंड करता है सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी पर डिपेंड करता है और एनवायरमेंटल कंडीशन की सूटेबिलिटी पर डिपेंड करता है इट इज़ अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली यानी इसमें फार्मर क्या करते हैं एक लैंड के छोटे से टुकड़े को पहले वो क्लियर करते हैं साफ़ करते हैं और उस पर फिर वो अनाज उगाते हैं और अपनी फैमिली के लिए वो उसको सस्टेन करते हैं मतलब उनको वो भरण पोषण करते हैं उनका वैन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेज जब जो सॉइल की फर्टिलिटीज कम होती जाती है द फार्मर शिफ्ट एंड क्लियर अ फ्रेश पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टिवेशन फार्मर जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं दूसरी जगह और दूसरी लैंड को साफ करके वो कल्टिवेशन करते हैं सेकेंड इज़ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिसाइज इन एरियाज वेयर देयर इज हाई प्रेशर ऑन लैंड ड्यू टू अ पॉपुलेशन यानी जो इंटेंसिव ससिस्टेंस फार्मिंग है ये ऐसे एरिया पर की जाती है जहाँ पर पॉपुलेशन का हाई प्रेशर होता है लैंड के ऊपर और ये लेबर इंटेंसिव होती है यानी इसमें लेबर बहुत ज़्यादा यूज होती है वेयर हाई डोजेज ऑफ़ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरीगेशन आर यूज फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन और इसमें क्या किया जाता है कि इससे कम जमीन से ज़्यादा उपज प्राप्त की जाती है नाउ कमर्शियल फार्मिंग द मेन करेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ दिस फार्मिंग इज यूज ऑफ हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स फॉर एग्जाम्पल हाईडिंग वेराइटी सीड्स केमिकल फर्टिलाइजर्स इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स इन ऑर्डर टू ऑप्टेन हायर प्रोडक्टिविटी यानी इस प्रकार की जो फार्मिंग है उसमें क्या किया जाता है सारे मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है एच वाई वी सीड्स केमिकल फर्टिलाइजर्स इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड को यूज किया जाता है ताकि हायर प्रोडक्टिविटी को आ, मिल सके उससे द डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्राम वन रीजन टू अन अदर भाई डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन जो एग्रीकल्चर का है वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वेरी करता है फॉर एग्जाम्पल राइस इज़ अ कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब जो राइस है वो हरियाणा पंजाब की कमर्शियल क्रॉप है लेकिन ओडिशा में इट इज़ अ सबसिस्टेंस क्रॉप ये एक जीविका की uh, फसल है नाउ प्लांटेशन प्लांटेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग प्लांटेशन भी एक कमर्शियल फार्मिंग का ही टाइप है इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया यानी बहुत बड़े एरिया पर सिंगल क्रॉप ही ग्रो की जाती है प्लानेशन कवर लार्ज ट्रैक्स ऑफ लैंड यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर्स तो किस किस की सहायता से होती हैं बहुत बड़े लैंड पर की जाती है और इसमें बहुत ज़्यादा पैसा भी लगता है और बहुत ज़्यादा श्रम भी लगता है लेबर लगती है ऑल द प्रोड्यूस इज़ यूज एज रॉ मटीरियल इन रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज यानी जो भी इसमें फसल उगाई जाती है वो एक रॉ मटीरियल की तरह यूज़ की जाती है इंडस्ट्रीज़ के लिए इन इंडिया टी कॉफी रबर शुगर केन बनाना एक्सेट्रा आर इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स और भारत में चाय कॉफी रबर और गन्ना और बनाना यानी केला ये सारी इम्पॉर्टेंट प्लान्टशन क्रॉप्स हैं These are the topics of this worksheet. Now we'll move on question-answer section. First question is, if you were a farmer, then which type of farming you would like to do and why? यानी yani, अगर आप एक farmer होते तो आप किस तरीके की farming करना चाहते और क्यों आंसर इज ये दिस इज my सजेशन आपकी जो सजेशन हो आप वो भी लिख सकते हैं इफ आई वर अ फार्मर आई वुड प्रेफर टू एंगेज इन कमर्शियल फार्मिंग बिकॉज दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इन्वॉल्व द यूज ऑफ न्यू मॉडर्न मीन्स और न्यू मॉडर्न टेक्नीस भी लिख सकते हैं आप इसमें टेक्निकाईल्ड्स यानी इसमें मॉडर्न टेक्निक यूज किया जाता है ताकि हाई ईल्ड को अचीव किया जा सके क्वेश्चन नंबर टू राइट नोट ऑन इंटेंसिव सबेंस फार्मिंग आंसर टू इज इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग इज दैट सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन विच मोर प्रोडक्शन इज टेकन बाई एडिंग मोर लेबर कैपिटल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड एक्सेट्रा इन दिस मैनी क्रॉप आर सोन इन अ ईयर ऑन द सेम लैंड सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड यानी कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि बहुत ज़्यादा लेबर पैसा फर्टिलाइजर और जो है पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं और इसमें एक ही लैंड पर अलग एक ईयर में कई फसलें बोई जाती हैं तो इसलिए इस इस प्रकार के एग्रीकल्चर लैंड पर बहुत प्रेशर रहता है नौ क्वेश्चन नंबर थ्री डिफ्रेंशिएट बिटवीन कमर्शियल फार्मिंग एंड इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग सो so, आपको एक ऐसी टेबल बनानी है जिसमें एक तरफ इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग लिखना है और दूसरी तरफ कमर्शियल फार्मिंग लिखनी है और इस तरह से इसमें आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि इसमें क्या होता है कि हाई पॉपुलेशन डेंसिटी होती है इसमें जो साइज होता है फार्म्स का वो स्मॉल होता है और इसमें फार्म्स का साइज़ लार्ज होता है इसमें मशीन रेयरली यूज होती है इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं और इसमें जो है एग्रीकल्चर डन बाय फार्मर एंड एंड फैमिली मेम्बर्स जो और जो इसमें एग्रीकल्चर करता है वो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से होता है लेबर करती है सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी से फिफ्टी की यानी फिफ्टी थाउजेंड तक पहुँचा दीजिए रिमेंबर वैन एवर यू विल गो आउट प्लीज वीयर योर मास्क और जब भी आपकी बारी है इसका वैक्सीनेशन अवश्य कराएं क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच